नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज देखने वाले हैं 28 दिसंबर 2021 को वीडियो विलेज डेवलपमेंट ग्राम विकास अधिकारी का सेकंड शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था, मैं उस पूरे पेपर की आंसर की लेकर आया हूं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के नीचे लिंक दी गई है और उस लिंक को ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी इंतजार के चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी मैं आंसर बताऊंगा वो बिल्कुल रियल और सटीक है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किस भारतीय मूल की अमरीकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की, तो वो थी सिरिसा बांदला। कौन थी? सिरिसा बांदला। ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? अर्जुन लाल जाट नौकायन बिल्कुल सही है, देवेंद्र झंझरिया का संबंध भाला फेंक से है, अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है, अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है, भारतोलन से नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी? तो पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका जो है वो जयनारायण व्यास ने लिखी। किसने लिखी? जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला दे रखा है कि किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की? तो महात्मा गांधी जी को स्वतंत्र बावनी जो पुस्तक भेंट है ये किस रमत कलाकार ने की थी? तेज कवि जैसलमेरी ने की थी। किसने की थी? तेज कवि जैसलमेरी। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियो, खंजरी और पोंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो ये इस काल बेलिया के अंदर प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है वो आपको 6 दे रखे हैं और कौन सा कथन गलत दे रखा है। पहला दे रखा है कि ये परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बनाई गई है। बिल्कुल सही है। इसमें सभी विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजना के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी है और 9 नेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है। तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है। तो कथन 1, 2 और 3 सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से कटमई जाना जाता है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट था। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर, निम्नलिखित में से सम्मिलित मंदिर और स्थान दिए गए हैं, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं दे रखा है? विभीषण का मंदिर कैथून कोटा बिल्कुल सही है, सुंदा माता का मंदिर भीनमाल जालोर हो जाएगा, सिरे मंदिर जालोर है, त्रिपुरी सुंदरी का माता यह तिलवाड़ा बाड़मेर रॉन्ग हो जाएगा। तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, बीकानेर जैसलमेर और सुरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के खंड में सम्मिलित हैं? तो ये जो शुरू है, बीकानेर है, जैसलमेर है, तो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सियाल सीमा और निफे क्या है? सियाल सीमा और निफे ये पृथ्वी की परतें हैं, इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? मेमंत पहना जाता है, रकड़ी भी पहनी जाती है, कंडोरा पहना जाता है, लेकिन जो मोर का है ये स्त्रियों द्वारा नहीं पहना जाता है। तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बारह नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि चूसीवन को चूसी 2 से सम्मिलित कीजिए, कूट दिए गए एक तो राष्ट्रीय पार्क दे रखा है, यहाँ से थोड़ा छोटा सा कर लेते हैं ताकि पूरा दिख सके। अब यहाँ से राष्ट्रीय पार्क दे रखे हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किससे है? असम से हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल का संबंध है कर्नाटक से हो जाएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली का संबंध तमिलनाडु से है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ से है? वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य है वो केरला से हो जाएगा। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम है, मतलब पहले के अंदर सी होना चाहिए, दूसरे में नागरहोल, सी ए
और साइलेंट वैली केरल के अंदर CABD, तो इसमें देखते हैं किसके अंतर्गत दे रखा है CABD, चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो जो ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को है वो पटेल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पटेल कहा जाता है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 14 नंबर, राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है, अ कृषि क्षेत्र 8.10%, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें तीन कथन दे रखे हैं, पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है, बिल्कुल सही है, पोटवार पठार पाकिस्तान के अंदर है, और पोटागोनिया का पठार एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट है, तिब्बत का पठार हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है, तीनों सही है, तो ए ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों कथन सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से कौन सा मरुस्थल देश सही सम्मिलित है, यूबीएन सही सम्मिलित, इसमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा मरुस्थल देश है वो सही सम्मिलित है, तो अटाकामी मरुस्थल कहाँ पर है, अटाकामी मरुस्थल है वो सिली के अंदर, कहाँ पर है, सिली के अंदर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 17 नंबर के, अंग्रेजों को मूल क्रा मीठा ठग किसने कहा, तो अंग्रेजों को मूल क्रा मीठा ठग है ये शंकरदान सामोर ने कहा, किसने कहा, शंकरदान सामोर ने, अंग्रेजों को मूलकरा मीठा ठग शंकरदान सामोर ने कहा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उप बोलियाँ हैं, तो निमाड़ी एवं रागड़ी है ये मालवी की उप बोलियाँ हैं, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है, केसरिया जी का मेला है वो धुलेव में भरता है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सम्मिलित है, तो इसमें महान सीमा भ्रंश, सत्तूर बूंदी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 21 नंबर के, दीर्घ ज्वार आते हैं, तो दीर्घ ज्वार है ये पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को आते हैं, सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर। और स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, तो स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ ये पुस्तक है रवि शास्त्री, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, रवि शास्त्री। अगला क्वेश्चन दे रखा है 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है, तो 13 ताली नृत्य के अंदर रामदेव जी का यशोगान किया जाता है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आभूषण सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर दे रखा है मंदूरी अंगुली के अंदर पहनी जाती है, टड्डा बाजू के अंदर, नेवरी पैर के अंदर, और रमजोल कमर, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, सी हो जाएगा, रमजोल कमर है वो आपका करेक्ट आंसर है। और अगला दे रखा है मूसी रानी की सत्री कहाँ पर स्थित है, तो मूसी रानी की सत्री है अलवर के अंदर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 26 नंबर, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों के अंदर फैला हुआ, तो राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है ये 14 जिलों के अंदर फैला हुआ है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है, खेजरली बलिदान अमरता देवी जोधपुर के अंदर है, बिल्कुल सही है, सिपको आंदोलन गोरा देवी और अपिको आंदोलन कर्नाटक, तीनों के तीनों ये है सही है, तो 1, 2, 3 किस ऑप्शन के अंदर, डी है, तो डी है इज द करेक्ट आंसर। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक लक्ष्य रखा गया है 100% साक्षरता का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका के अंदर भारत का जो स्थान रहा है वो 48वां रहा है। और नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है, तो जयपुर का जो प्रथम डेजर्ट पार्क है किशन बाग, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए हैं, तो यूरेनियम के बड़े भंडार रोहिल सीकर के अंदर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम के भंडार रोहिल सीकर। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है, तो पुष्कर झील है वो कितने घाटों से है, 52 घाटों से घिरी हुई है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और कांजिन 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया, तो जो कांजिद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है वो भारत और कजाकिस्तान के द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, भारत और कजाकिस्तान के द्वारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था, तो मानगढ़ जो नरसंहार है ये 17 नवंबर 1913 को होता है,
ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा, 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का जो कोटा के अंदर नेतृत्व करते हैं, जयदयाल और मेहरब खान के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी जो है वो जयपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सम्मिलित करना है, रामचंद्र संप्रदाय की शाखा दे रखी है और सामने आप स्थापनकर्ता का नाम दे रखा है। तो इसके अंतर्गत पहला आपको दे रखा है शाहपुरा, शाहपुरा का संबंध संत राम शरण जी से हो जाएगा। और उसके बाद में दे रखा है सिंहतल, सिंहतल का संबंध है संत हरिराम दास जी से हो जाएगा। और उसके बाद में दे रखा है खेड़ापा, खेड़ापा का जो संबंध है संत दरिया राव जी से हो जाएगा। और रेण, रेण का जो संत रामदास जी से संबंध हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पलाण क्या है? तो पलाण जो है वो गोरबंद का समानार्थी शब्द है। पलाण क्या है? पलाण है एक गोरबंद का समानार्थी शब्द हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 39 नंबर, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो इस गढ़ को चुनेंगे? तो वो था भैसरोड गढ़। कौन सा था? भैसरोड गढ़। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन एल्टलाइन जो नंबर थे उसके नंबर है 14567। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, तो इसके अंतर्गत जो लुप्त संख्या आएगी वो 135 आएगी। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 42 नंबर दिए गए क्षेत्र में प्रारंभिक स्थिति ए और बी एक भुजा की दूरी दक्षिणावर्त चलते हैं तब वो विपरीत विकर्ण तिरछे कोने की ओर जाते हैं, सी और डी एक भुजा वामावर्त चलते हैं तब विपरीत विकर्ण तिरछे कोने की ओर पहुंचते हैं। तो ए डी बी सी की प्रारंभिक स्थिति अब परिवर्तित हुई है तो वो परिवर्तित हो जाएगी सी बी डी ए। सी बी डी ए अगर आपका आंसर आ रहा है तो सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, 25 छात्रों के सर्वेक्षण में ये पाया गया कि 15 ने गणित लिया, 12 ने भौतिकी, 11 ने रसायन विज्ञान लिया था और 5 ने गणित तथा रसायन विज्ञान लिया, 9 ने गणित तथा भौतिकी लिया, 4 ने भौतिकी और रसायन विज्ञान लिया था, 3 ने सभी विषय लिए थे। उन छात्रों की ज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने भौतिकी रसायन विज्ञान दोनों लिया था लेकिन गणित नहीं लिया था, ऐसे छात्र कितने हैं? एक हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 20-10 का अभिप्राय 200 और 8/4 का अभिप्राय 12 × 2 का अभिप्राय 4 है तो 20+5 का अभिप्राय 4 है, तो इस समीकरण को सॉल्व करना था। इस समीकरण को सॉल्व करने पर आपका आंसर है वो 0 आ जाएगा, 0। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से 44 यहाँ पर कथन दे रखा है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बाहर की ओर न झुके रेल के डिब्बे में एक चेतावनी दे रखी है। फिर पूर्वानुमान लगाया जाता है, चलती रेलगाड़ी से बाहर की ओर झुकना खतरनाक है, बिल्कुल झुकना खतरनाक है, इसलिए चेतावनी दे रखी है। इस तरह की चेतावनी का प्रभाव होता है, प्रभाव होता तभी तो चेतावनी दे रखी है। रेलवे के अधिकारियों के दायित्व है कि यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, ऐसी बात इस कथन के अंदर नहीं कही हुई है। जो कथन के अनुसार चले तो 1 और 2 अंतर्निहित हैं, तो आपका पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में प्रश्नों में शब्दों के 4 सुनाव उसके अक्षरों को उलट कर दिए गए हैं, उनमें से 3 एक प्रकार से समान है, वो एक बीमेल है, बीमेल को चाटना था तो HADN हो जाएगा। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, कूट पाचा में दिल्ली को ये लिखा जाता है और उसी प्रकार मद्रास को कुछ लिखा जाता है, पटना की इसकी भाषा संकेत भाषा के अंदर है वो क्या बनने वाला है? यहाँ से इसका आंसर मैंने लिखा, तो यहाँ से देखिए दिल्ली को क्या लिखा जाता है, यहाँ से देखिए CDE एक अक्षर बड़ा के लिखा जाता है, तो यहाँ से पटना को क्या लिखा जाएगा, पी का ओ एक अक्षर माइनस कर दीजिए, ए का माइनस करोगे तो एक अक्षर जेड हो जाएगा, टी
टी का एक माइनस करोगे तो एच हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है एन एन का एक माइनस करोगे तो एम हो जाएगा, और ए ए का माइनस करोगे तो जेड हो जाएगा। ओ जेड एस एम एस कहीं पर है, ओ जेड एच एम जेड, हाँ ओ जेड एच एम जेड, ये डी ऑप्शन दे रखा है वो करेक्ट हो जाएगा। ओ जेड एच एम जेड हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या यहाँ घन के तीन अलग अलग दृश्य दिए हुए हैं और इन चित्रों पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना था, जो इसका आंसर आता है बी माइनस डी, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर दे रखा, छह सदस्य वाले एक परिवार में पी क्यू आर एस एक्स वाई और आर वाई की बहन है, क्यू एक्स के पति का भाई है, एस पी का पिता एवं वाई का दादा, इस परिवार में दो पिता तीन भाई और एक माँ, परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो चार सदस्य हो जाएंगे, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। और इस त्रिभुज के अंदर आपको आकृति के अंदर बताना था कि त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी है, तो 28 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 28, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दे रखा है कि यदि मापांक ए बराबर है मापांक बी मापांक सी के तथा सदिश ए प्लस सदिश बी बराबर हो सदिश सी, तो सदिश ए तथा सदिश के बी के बीच का कोण ज्ञात करना था, तो उसका कोण आ जाएगा 2π/3 हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है कि 8 अंकों वाली संख्या जिसमें सभी अंक समान हो तो कुल संख्या कुल भिन्न हो, 8 अंकों वाली संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो कुल संख्या होगी, तो कुल संख्या कितनी होगी 9√2, बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वो 4 में से 3 बार छत्ते बोलता है, एक पासे को उछालता और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है, तो वो उसकी प्रायिकता 1/8 हो जाएगी, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। 11 परिणामों को औसत 55 है, यदि प्रथम 6 परिणामों को औसत 52 और अंतिम 6 परिणामों को औसत 57 है और उसमें से छठा परिणाम है वो क्या होगा, तो छठा परिणाम है वो 49 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक थैली में 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के क्रमशः 6, 7 और 15 के अनुपात में, यदि थैली में कुल धन 1590 रुपये है तो थैली में 50 पैसे सिक्कों की संख्या 900 आ जाएगी, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। और अगला दे रखा है उस वक्र का समीकरण जो बिंदु 1 और 0 से गुजरता है, अवकल समीकरण दे रखा है 1 + y² dx - xy dy = 0 को संतुष्ट करता है, तो इसका समीकरण x²-y² = 1, बी आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 5 cos θ + 3 cos θ + π/3 + 3 का महत्तम जो मान है वो 10 हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि के 3 × 2x - 3 = 1/27 × x - 4 हो तो x का मान है वो 3 हो जाएगा, डी सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, माना f r belong to r इस प्रकार है कि f1 = 3 और f1 जो फंक्शन दे रखा है 1/6 हो, तो लिमिट आपको दे रखी है x स्टे टू 0 दे रखी है और f1 + x f1 / 1/x हो तो इसका मान जो है वो कितना होगा, तो इसका मान है e²c, ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD, AB = 8 cm, AC = 10 cm, BC 13.5 cm है, तो BD का मान कितना होगा, 6 cm हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या है वो 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी, ये 6ठे विधानसभा चुनाव के अंदर कर दी गई थी, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है, तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध स्थानीय स्वशासन से हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं, तो भाग 11 अध्याय 2 के अंतर्गत संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंधों का वर्णन, भाग 11 अध्याय 2 के अंदर ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत दे रखा है, तो बात करें अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान की शक्ति है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 167
जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, और आर्टिकल 213 है अध्यादेश प्रकृत करने की राज्यपाल की शक्ति है, बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 165 है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये जो है वो इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 65 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं, बिल्कुल सही है। मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है, यह भी करेक्ट है। राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिव की नियुक्ति करती रही है, बिल्कुल सही है। तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिव के लिए शपथ प्रतिज्ञा का प्रारूप शामिल है, ये इसमें शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दे रखा है। लोकायुक्त वो भ्रष्टाचार कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, सही है। उसका कार्य शिकायतों की जांच करना, ये भी सही है। प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। वो मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त नहीं होता है, तो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो राजस्थान में छावनी मंडल की जो स्थापना है वो नसीराबाद के अंदर की गई थी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का संरक्षण करवाना किसका दायित्व है। तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का संरक्षण करना ये सांख्यिकी अधिकारी का दायित्व है, किसका है, सांख्यिकी अधिकारी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। कौन से विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है, तो पशुपालन है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, लघु वन उपज है, लेकिन ये फाजी हाउस है, ये नहीं है, फाजी हाउस ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। तो राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की जो स्वीकृति प्राप्त होती है वो 1973 के अंदर होती है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का जो उचित समूह की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, डी ऑप्शन है आरपीजी, लिप्स और चुनोबॉल हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से 72 अगला क्वेश्चन दे रखा है 72 नंबर, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रमित युग्म कौन सा है का एक प्रिंट आउट निश्चित रूप से लिया होता है, नोट्स और वक्ता का हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CDR क्या है, राइट विंस रीड मैनी डिस्क, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और यदि आप MS Excel सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो उपयोग के अंदर कंट्रोल प्लस ये सेमी कॉलन का प्रयोग करेंगे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सिस्टम का संसार अनुक्रम है वो OS डिवाइसेस कंट्रोल डिवाइस ड्राइव डिवाइसेस के रूप में, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और MS वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है, तो MS वर्ड को शुरू करने के लिए विंडो वर्ल्ड EXE हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और IBM 1401 इज, ये IBM 1401 क्या है, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर है, क्या है, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 78, निम्न में से कौन सा असत्य है। तो इसमें असत्य जो TCP नेटवर्क संतवीकरण को टालता है ये सत्य है, मॉनिटरिंग के लिए TCP डाटा प्रवाह सक्षम बनाता है ये भी सत्य है, TCP सर्वर क्लाइंट के माध्यम से संचार बनाता है ये भी सत्य है, लेकिन TCP/IP मॉडल में इंटरनेट उपयोगकर्ता के निकट है ये रॉन्ग दे रखा है, तो इसलिए ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न कथनों पर विचार करना है, एक प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करती है, बिल्कुल सही है। एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल्स नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर फिल्टर करती है, एक और दोनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था, तो विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर है वो एप्सॉन 1981, किसके द्वारा, एप्सॉन के द्वारा 1981 के अंदर, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन दे रखा है अंग्रेजी का पार्ट मैं नहीं करा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन है अंग्रेजी के,
और 91 नंबर पर हिंदी का पेपर शुरू होता है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं। तो सभी निम्न में से किस विकल्प के सभी जो शब्द है वो अशुद्ध हैं, दृष्टव्य, दंपति, पृथकीकरण, ये सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में कौन सा विकल्प द्वंद समास का उदाहरण नहीं है, कृष्णार्जुन, कंकर पत्थर, द्वंद का है, पक्षाभेद 7-25, थोड़ा बहुत, उचित अनुचित, ये तीनों हैं, लेकिन जो मकर ध्वंज अंशुमाली है ये द्वंद समास का उदाहरण नहीं है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पर्यावरण शब्दों के संबंध में असंगत युग्म को पहचानना है, तो असंगत युग्म है पशात, सावित्री, कर्तांत, बलराम, ये बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द युग्म अर्थ को दृष्टि से संगत नहीं दे रखा है, तो आपको जो ये निशामुख, निशामर्ग, नाखून, घोंसला दे रखा है ये सही नहीं है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और एक नागिन अरुपंख लगाई उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है, एक नागिन अरुपंख लगाई मतलब एक दोष के साथ दूसरे का जुड़ जाना, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन करना, कंधे से कंधा चिलना मतलब अत्यधिक भीड़ होना, एक घाट का पानी पीना होना, एकता और सहिष्णुता हो जाएगा, कमान से तीर निकल जाना, अवसर सूख जाना होता है, ऊंचे नीचे पैर पड़ना मतलब आंगन का समतल न होना, ये बी ऑप्शन आपको इनकरेक्ट दे रखा है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा और असंगत है। तो कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं दे रखा है, तो इसमें ये आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज, निहारिका, जो पहले कभी न हुआ, अभूतपूर्व, जो हृदय का पिघला दे वो हृदय द्रवक है, कोई काम करने की इच्छा सरिष्णु, ये रॉन्ग दे रखा है, तो यहाँ पर है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला दे रखा है कि किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, तो पीत, पूर्ण, पाच, पुण्य, ये सभी तत्सम है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किस विकल्प में विलोम युग्म अनुचित है, और ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। और अगला दे रखा है निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद है वो सही नहीं दे रखा है, तो ये पितरादि, पितृधन आदि का संधि विच्छेद सही नहीं है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर आप न्यू हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।